हेलो एवरीवन, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से किन शेप में हम वेव फ्रंट्स बना सकते हैं। लास्ट में हमने कहा भी था कि हम बहुत सारी कंडीशंस में यहाँ वेव फ्रंट्स बनाने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, ड्रॉ वेव फ्रंट इन फॉलोइंग कंडीशंस। तो चलो एक थोड़ा सा डिस्कशन एक बार हम सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में और कर लेते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट हम कैसे बनाते हैं? सपोज करें कि बच्चों मेरे पास में ये क्या है, बहुत सारे ये पॉइंट है जो कि एक वेव फ्रंट पर है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। जब भी हमें ये पता है कि आपको न्यू वेव फ्रंट बनाना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, तो हम क्या करें, हम यहाँ से क्या बनाएं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम सेम फेज में बनाते हैं। लास्ट क्लास देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने हाइगेन के प्रिंसिपल को बता रखा है। हम यहाँ सेम फेज में बनाते हैं और सेम फेज में बनाएंगे तो हम ये मान लेते हैं कि वो सेम स्पीड से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितने टाइम में? टी टाइम में कर रहा है। तो हम यदि बात करें डिस्टेंस क्या हो सकता है इसका, तो डिस्टेंस बोलो इसका वी टी हो जाएगा, वी इंटू टी, इसका डिस्टेंस वी इंटू टी हो गया। तो यहाँ से क्योंकि जो भी अपने पास में आइगन का जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे जितने भी वेव फ्रंट के पॉइंट्स होंगे वो एज ए न्यू डिस्टर्बेंस यहाँ वर्क कर रहे हैं, यानी एज ए न्यू लाइट सोर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो आपको जब भी न्यू वेव फ्रंट बनाना हो तो यह सेम डिस्टेंस पर, क्योंकि आपको पता है कि यदि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो आपको यह आर्क की शेप बना देनी होती है। यह हमें आर्क की शेप बना देनी होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो वी टी होगा, एज इट इज ये डिस्टेंस बचो वी टी होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा वी टी होगा, ये डिस्टेंस वी टी होगा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों पूरा क्या बनाता है, आपके पास स्फीयर बनाता है। तो स्फीयर पूरा बनाने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करें, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए आर्क का शेप आप बना दीजिए और आर्क से आप एक कॉमन टेंजेंट बना दीजिए। ये जो कॉमन टेंजेंट आपके पास बन रहा है यही एज ए सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। अब आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये लीनियर शेप में। अब जब इसको बहुत बड़ा हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों ये आपको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखता है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप लीनियर सोर्सेस आप लेते हैं तो न्यू वेव फ्रंट जो बनता है वो एज ए आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखता है। तो हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हैं। हल्का सा मैंने बताया, डिटेल से लास्ट क्लास में मैंने बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं कि हम कुछ कंडीशन में वेव फ्रंट को यहाँ देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं बच्चों कि बहुत सारी रेज जो है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल है। अब मैंने एक बात और आपको कहा था कि जो भी वेव फ्रंट्स होता है, वेव फ्रंट्स मीन द डायरेक्शन ऑफ रेज इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। वेव फ्रंट जो भी होता है वो, या अभी कह सकते हैं जो रेज होती है, जो वेव्स होती है, इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये सारी इसकी सारी वेव्स आपके पास कैसी दिखाई दे रही, नॉर्मल। तो आप इसमें वेव फ्रंट्स बना दीजिए, ये इनके परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट्स हो गए। तो एक नॉर्मल से आप लाइन बना दें इस तरीके से, ये सारे के सारे आपके पास परपेंडिकुलर है। आप चाहते हैं कि सर हम और ज़्यादा अच्छे से बनाएं, तो ये देखो हमने एक यहाँ सरफेस बना दिया और ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास में रेज आ रहा है वो रेज इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये जो आपके पास वेव्स है वो इस तरीके से आपके पास ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमने जो प्लेन बनाया वो जस्ट इसके वर्टिकल बनाया है। और जस्ट इसके वर्टिकल बनाए तो हम देख सकते हैं कि जो वेव फ्रंट है वो वेव्स के कैसे आपके पास में परपेंडिकुलर है। अब इन रेज को देखें आप, और ये रेज कैसी हो रही है, जो डाइवर्जिंग रेज आपके पास में, ये अपने पास डाइवर्जिंग रेज है। और डाइवर्जिंग रेज है तो ये एज ए पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जो भी डाइवर्जिंग रेज होगी वो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए आगे चली जाएगी। तो ये आपके पास में इस तरीके से ये न्यू वेव फ्रंट इसमें तैयार होते हैं। जितने वेव्स है यहाँ से, मतलब इन वेव फ्रंट से क्या बनाती है, ऑलवेज नॉर्मल बनाती है। अब ये देखिए ये कैसी होगी आपके पास में बच्चों, कन्वर्जिंग होगी, ये कन्वर्जिंग हो गई, सभी एक पॉइंट पर आपके पास में कन्वर्ट हो रही है। तो कन्वर्जिंग हो रही है तो हम ये देखेंगे पहले वेव फ्रंट ज़्यादा बड़ा था दूर से आ रही, फिर वेव फ्रंट छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा साइज, और इस तरीके से ये आपके पास में, हम ये भी देखेंगे जितने वेव्स है वो सारी के सारी क्या है आपके पास में इसके वेव फ्रंट के नॉर्मल अपने पास है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ये हमने यह कॉन्वेक्स लेंस लिया है, इस कॉन्वेक्स लेंस में रेज जो हमने लिए वो जो इन्फिनिटी से लिए,
इन्फिनिटी से रेज हमने पैरेलल, और इन्फिनिटी से जो रेज हमने ली है तो हम देखेंगे ये अपने पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो चुके, तो इनके जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये लो, ये हमने वेव फ्रंट बना दिया, प्लेन वेव फ्रंट। आप लिख सकते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा डाइवर्जिंग, मतलब ये वाला डाइवर्जिंग है, स्पेरिकल है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये क्या है बच्चों, ये है कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी हम दे सकते हैं नाम, तो ये प्लेन हो गया। लेकिन हमें देखे अब यहाँ रेज क्या हो रहा है, आफ्टर जैसे रिफ्रैक्शन हुआ तो रेज क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि कॉन्वेक्स है और कन्वर्जिंग हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन आपके पास में, ये लो कन्वर्जिंग हो गया, ये कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी हम ड्रा वेव फ्रंट को ड्रॉ कर रहे हैं आप। अब ये वापस से आप आ जाइए इस पर, कॉन्वेक्स पर आ जाइए, कॉन्वेक्स में वही रेज आप कहाँ से इन्फिनिटी से ले रहे हैं, तो ये तो देखो जो इंसिडेंट रहे वो तो हॉरिजॉन्टल है, और वही वापस से प्लेन वेव फ्रंट आप बना दीजिए। आप चाहे तो ये बना दीजिए या एक स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिए, वो भी वेव फ्रंट में ही आएगा, तो ये लो वेव फ्रंट उन्हें बना दिए, ठीक है। अब जो रेज है इसमें, जो रेज है वो बच्चों क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्ज यदि रे हो रही है तो ये वाला कंडीशन, तो ये डाइवर्जिंग हो गया आपके पास में, ये डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसमें। अब आ जाइए आप मिरर में आ जाइए, चलो मिरर में देखते हैं। मिरर में देखो फर्स्ट तो ये रेज जो आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब वही पैरेलल, तो ये प्लेन वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर अपने पास में क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज हो रही है तो ये लो, ये आपके पास ये इसमें बन गया, बना सकते हैं। अब प्रिज्म में आ जाइए आप, प्रिज्म में मैंने रिफ्लेक्शन बता दिया है। अब ये रेज कैसी है बच्चों, पहले रहेगी ये रेज, बिल्कुल पहले रहेगी, पहले रहेगी तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये कैसे निकलेगी, पहले ही निकलेगी दोनों रेज, तो ये आपके पास में क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट बन गया जो इसके परपेंडिकुलर है। तो आप कोई भी कंडीशन आपको दिया जाए इन कंडीशन के बेसिस पर, क्योंकि मैंने सबका बेसिक बता दिया है, इन कंडीशन के बेसिस पर आप न्यू वेव फ्रंट्स बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रे डायग्राम में, ठीक है। थैंक यू।